पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था किंगडम प्रोटिस्टा का जो चौथा डिवीजन था दैट इज स्लाइम वॉर्ड्स के बारे में, जिसमें हमने स्लाइम वॉर्ड्स के जो भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे उन सबको हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस किया था। आज हम शुरू करने वाले हैं जो सबसे लास्ट डिवीजन है दैट इज प्रोटोजोआंस के बारे में। वैसे प्रोटोजोआंस को जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो ग्रुप्स दिए हुए हैं प्रोटोजोआंस के उनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआंस के बारे में जो दिया हुआ है ये है कि ये हेटरोट्रॉप्स हैं और ये प्रीडेटर और पैरासाइट की तरह रहते हैं। तो ये हो गया इनका जो हैबिटेट हो गया उनके बारे में, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी दे दिया गया है कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। और इनको बिलीव किया जाता था कि प्रिमिटिव रिलेटिव है किसके, एनिमल्स के। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है विच डिवीजन और विच किंगडम्स डिवीजन इज बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे जो फोर मेजर ग्रुप्स दिए हुए हैं प्रोटोजोआंस के एनसीईआरटी में वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दिया हुआ है, ये है प्रोटोजोआंस का डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये डायग्राम पैरामीशियम का है। बाकी प्रोटोजोआंस में और कौन कौन से ग्रुप्स हैं प्रोटोजोआंस के उनके बारे में एक एक ग्रुप्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है अमीबॉइड प्रोटोजोआंस। तो आपको बता दें कि जितने भी अमीबॉइड प्रोटोजोआंस हैं इनके हैबिटेट के बारे में सबसे पहले दिया हुआ है। तो ये रहते हैं फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में। तो ये है हैबिटेट किसका, अमीबॉइड प्रोटोजोआंस का, ठीक। अब देखिए ये मूव करते हैं और अपना ये जो फूड है ये कैप्चर करते हैं कैसे, स्यूडोपोडिया के द्वारा। तो ये स्यूडोपोडिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो दिया हुआ है इसमें अमीबॉइड में। क्वेश्चन अगर आते हैं तो स्यूडोपोडिया से ही आते हैं कि कैसे वो मूव करते हैं और अपने प्रे को कैप्चर करते हैं। तो ये है स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब होता है फाल्स और पोडिया मतलब होता है फिट, तो इसीलिए इसको फाल्स फिट भी कहा जाता है, एज इन अमीबा इसका एग्जाम्पल है। और मेराइन फॉर्म्स जो होते हैं उनमें सिलिका सेल होता है उनके सरफेस पे, ठीक। और कुछ ऐसे हैं जैसे कि एंटामीबा हो गया, ये पैरासाइट हो गया। तो इसमें दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, अमीबा एंड एंटामीबा। तो बेसिकली हम जितने भी डिविजन्स पढ़ेंगे उनमें उनका हैबिटेट, वो कैसे मूव करते हैं, कैसे प्रे को कैप्चर करते हैं और उनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं और ये प्रे को कैप्चर करते हैं फाल्स फिट दैट इज स्यूडोपोडिया के द्वारा, अमीबा में ऐसा होता है, ठीक। अब इनका जो डायग्राम है इसको हम देखते हैं। तो ये जो दिया हुआ है ये स्ट्रक्चर है स्यूडोपोडिया का और ये हो गया इनका कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो हमने पढ़ा ही था, ये किसमें हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन में। ये हो गया फूड वैक्यूल, यहीं पे ये जो फूड हो गया या प्रे हो गया उसको कैप्चर करते हैं किसके द्वारा, स्यूडोपोडिया के द्वारा, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस, ये मेम्ब्रेन हो गया, ये इंडोप्लाज्म और ये एक्टोप्लाज्म, ठीक है। ये अंदर का है तो इंडोप्लाज्म और ये बाहर वाला है इसलिए ये एक्टोप्लाज्म हो गया, ठीक। ये है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। तो यही है अमीबॉयड का, ठीक है, डायग्राम ये हो गया, यही है अमीबॉयड, अमीबा लाइक स्ट्रक्चर है ये स्यूडोपोडिया, इनमें फास्ट फिट होता है, ठीक। तो नेक्स्ट जो डिवीजन दिया हुआ है यानी कि जो ग्रुप दिया हुआ है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस का है। तो इस डिवीजन में जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस। तो इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं ये आइदर फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। इनमें होता है फ्लैजिला, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस है तो फ्लैजिला होगा। और ये जो पैरासिटिक फॉर्म है वो डिजीज कॉज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे बहुत बार नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका आप याद रखेंगे ट्रिपेनोसोमा। बाकी डिटेल्स में स्लीपिंग सिकनेस कैसे होता है ये हम जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा ध्यान रखना है और ये है यहाँ पे आप देखेंगे ये फ्लैजिला दिख रहा है, ये फ्लैजिलम हो गया, ठीक है। ये है ब्लेरोप्लास्ट, ठीक। ये इनके स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, एक जो स्टाइल है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये ट्राइकोमोनास होमिनिस है, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट फ्लैजिलेट है, ठीक। तो ये होगा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस के बारे में। जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है सिलिएटेड प्रोटोजोआंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये होते हैं एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि इनमें थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होता है। हमने शुरू में ही बात किया कि मूवमेंट इनमें कैसे होता है, तो सिलिया के द्वारा होता है इसलिए ये सिलिएटेड प्रोटोजोआंस हो गए। एक में फ्लैजिला होता है तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस और एक में
जो अमीबा है उसमें स्यूडोपोडिया फास्फिट होता है, तो वो अमीबॉइड प्रोटोजोंस हो गया। तो ये तीन ग्रुप्स अभी तक हमने पढ़े। इनमें एक कैविटी होती है गलेट जो कि ओपन होती है आउटसाइड ऑफ द सेल सर्विस। तो यहाँ पे अगर इसको आउटसाइड की जगह इनसाइड कर दे और ये स्टेटमेंट दे दे तो ये फाल्स होगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये तीन चार ही लाइन दिए हुए एनसीईआरटी में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मूवमेंट कैसे होता है, जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है जो सिलिया के रो का, वही वाटर लेडन फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गोलेट। तो ये गोलेट में कैसे फूड स्टीयर होता है ये इसमें दिया हुआ है। तो जो सिलिएटेड सिलिया का जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है उसके रोज का, उसी से वाटर लेडन फूड के साथ स्टीयर्ड हो जाता है किसमें, गलेट में। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पैरामीशियम है, ठीक है। तो डायग्राम देखते हैं, तो ये पैरामीशियम का ही है, एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, ठीक। तो ये कंटेक्टाइल वैक्यूल है, तो जाहिर सी बात है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा। ये रेडिएटिंग कैनाल्स हैं, यही है बाहर का ये सीलिया, ठीक है। ये हो गया प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल और ओरल ग्रुप वेस्टिबुलम, ठीक। बकल अवर्चर, सेल माउथ, एनल फोर, फूड वैक्यूल्स ऐसे हो गए, साइटोप्लाज्म, माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बस डायग्राम आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम्पल ध्यान होना चाहिए, हैबिटेट कैसा है, फूड कैसे उनमें इंटेक होता है, यही सब इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट ग्रुप है वो है स्पोरोजोआंस। तो ये है डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं और ये इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है इनके लाइफ साइकिल में, ठीक है। आपने मलेरिया देखा होगा, जो मलेरिया होता है इसी के वजह से होता है, स्पोरोजोआंस की वजह से। और इसमें प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है यही मलेरिया को कॉज करता है, ठीक। ये ह्यूमन पॉपुलेशन में इसका बहुत ही स्टैगरिंग इफेक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम, यहाँ पे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ भी ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा, ये बाकी सब ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक। और ये मेरोजोइट कोट है, राइबोसोम्स हो गया, डेंस ग्रेन्यूल, रॉफ्टरी, एपिकल इंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम, बस आप एग्जाम्पल ध्यान रखें, उसका हैबिटेट ध्यान रखें, ठीक है, उसका क्या कॉजेज है, कौन कौन से डिजीज कॉज करता है। तो ये प्रोटोजोआंस में यही सब इंपॉर्टेंट है, स्पोरोजोआंस का जो मलेरिया कॉज करता है इसकी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे। तो ये थे जो भी किंगडम प्रोटिस्टा में जो डिविजन्स थे, ये आखिरी डिविजन था प्रोटोजोआंस। तो प्रोटोजोआंस में जो मेजर ग्रुप्स थे, चार मेजर ग्रुप्स थे जिसमें हमने स्पोरोजोआंस के बारे में पढ़ा, हमने सिलिएटेड प्रोटोजोआंस के बारे में पढ़ा, और इसके साथ ही हमने पढ़ा फ्लैजिलेटेड और अमीबॉइड प्रोटोजोआंस के बारे में। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटोजोआंस में। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक जुड़े रहें चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।